नमस्ते। अच्छा, सारा का सारा स्टॉप लॉस हो रहा है। ओके, अभी जोड़ देता हूँ ये कितना लॉस होगा मुझे पता नहीं है। ईशा मोटर्स में स्टॉप लॉस हो गया, 2 बार स्टॉप लॉस हो गया ईशा मोटर्स में। श्रीराम सीमेंट में एक अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, एक अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं मिला। हाँ, 3-4 थाउजेंड का आसपास में गया था ये, पता नहीं क्यों आके ये सपोर्ट पे फिर एक बार आ गया ये। क्या करे, फाइन, नो प्रॉब्लम। अभी कितना बचेगा पैसा वो पता नहीं है। 4,600 गया। एक्चुअली आज जो मार्केट था ना, और मार्केट का ओपनिंग जो एक्सपेक्टेड था, ये जो 600 है, ओके, 600 वाज द टारगेट, उसको ओपनिंग करके सेल ऑफ हो गया। सेल ऑफ नहीं है मतलब, हाँ, नीचे आ गया, लो भी तोड़ दिया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सारे स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब क्या है? मैं पहला ईशा मोटर्स को ट्रेड करने का कोशिश किया था, ईशा मोटर्स को। ईशा मोटर्स में, ईशा मोटर्स में इधर एक लेवल था, ओके, एक रेंज था। रेंज के मैं इधर से बाई करने का कोशिश किया, क्योंकि इसका जो सेक्टर है वीकली के ऊपर खुला था, स्ट्रांग खुला था। ओके, मैं ट्रेंड कंफर्मेशन में थोड़ा गड़बड़ी किया। थोड़ा ट्रेंड कंफर्मेशन में थोड़ा गड़बड़ी किया। इसमें आज का ओपनिंग इसमें स्ट्रांग दिया था, इसके ऊपर दिया था, ओके, इसके ऊपर दिया था। मैं सोचा कि भाई उधर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये लोअर लो कर चुका था, ओके, तो वो कारण से इधर स्टॉप लॉस हो गया। मतलब इधर से बाई था, अगर सब कुछ ऊपर है तो इधर से बाई होता था, नहीं है, सेल हो गए। बाद में मैं फिर एक बार इधर शॉर्ट किया ए लेवल को, ए लेवल को शॉर्ट किया, मतलब ये जो सपोर्ट है इधर गिरेगा बोल के, उसको भी स्टॉप लॉस हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देयर वाज सम सपोर्ट हियर। देखो, एक बाई का स्टॉक को सेल करेगा तो यही होगा, और कुछ नहीं है। एक बाइंग स्टॉक को किधर था सपोर्ट इसका, समझ रही है? ओके, इधर सपोर्ट है, मतलब इससे नीचे गिरा था, उठा था, सही ना, ऊपर था, ये लेवल इसका सपोर्ट होना चाहिए। इधर इसको सपोर्ट मिल रहा है, इधर सपोर्ट लिया, मैं इधर से शॉर्ट किया। इसमें क्या है, एक्चुअली आई वाज टारगेटिंग दिस लेवल, आई वाज टारगेटिंग दिस टारगेट, ये टारगेट को मैं चेस करने लगा था। तो फाइन, नो प्रॉब्लम, ये 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। श्रीराम सीमेंट में, श्रीराम सीमेंट नहीं है, श्रीमान फिनेंस में, ये क्या है मुझे पता नहीं है क्या हुआ। क्यों आज मेरा उम्मीद था कि भाई ये हायर ही करेगा, क्योंकि अगर आप इधर देखते हो 140 मार्केट प्राइस है। हटाना भाई, भाई जल्दी क्या कर रहे हो। ये कल का इम्पोर्टेंट कैंडल था, ओके, ये कल का इम्पोर्टेंट कैंडल था, हाइपो बाई है। तो मैं क्या किया, मतलब वो स्टॉप लॉस होने के बाद, अगर आप इधर देखते हो, देर इज ए शॉर्ट फॉर्म, तो इधर से ये नीचे गिरना चाहिए, नहीं है ये अंदर घुसा, मतलब इसका भी वॉल्यूम रिकॉर्ड हो गया। देखो, जो लो बनाया था उसका वॉल्यूम रिकॉर्ड हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ था ना, अगर इसमें वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है तो ये लेवल इसका सपोर्ट होना चाहिए। देखो, ऊपर जा रहा है, नीचे गिरा, ये हायर आई बन रहा है। देखो, ये हायर आई बन रहा है, ये लेवल को देखो, इससे नीचे गिरा, इसे भी लो बना के फटक से अंदर घुसा। इसका मतलब है दिस इज द स्टॉप लॉस। इधर से अब देखो, अभी भी किधर बाई किए थे उधर ही आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, ये ऊपर गया था, मैं सोचा था कि भाई हायर आई करेगा, हाँ, लेकिन 3,500 का 19:3 का ट्रेड चल रहा था ये, फिर भी ये नीचे आ गया। जैसे वो 2,180 लेवल से वो कल भी क्लोजिंग नीचे था क्या? ओके, कुछ भी है, ऊपर ओपनिंग ऊपर था ना, ये लेवल से ये नीचे गिर गया। कल का क्लोजिंग क्या है? 20, फाइन, नो प्रॉब्लम। वो कारण से ये लॉस हो गया। क्या है, कितना पैसा बचा है अभी? इसमें 1,000 रुपीज इसमें जाएगा,
ब्रोकरेज में जाएगा। ओके हाँ, रिलायंस में देखो ये अभी इसको बाई कर सकते हैं, 2980 को बाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे मतलब ये नहीं आया, मतलब छोड़ देंगे क्योंकि इसको होल्ड करना पड़ेगा, उतना पेशेंस तो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये जो कैपिटल है मेरा, ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, इसलिए जो मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ यही 1 लाख से कर रहा हूँ, कोई नया पैसा नहीं डालता हूँ मैं इधर। ओके, जब नया मतलब बड़ा अमाउंट से ट्रेड करता हूँ तब देखेंगे, अभी मतलब इंट्राडे को प्रैक्टिस करने के लिए 1 लाख में ट्रेड कर रहा हूँ मैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। ओके भाई, इधर भी एक अच्छा खासा मूव चल रहा था, इधर से बाई होना चाहिए था, नहीं है, क्या करें। एक्चुअली ये हाई को ये जो हाई है 80 80 पे इसने क्लोज किया था, क्या वॉल्यूम बढ़ा दिया था पता नहीं। ओके एनालिसिस रॉन्ग है, मैं सोचता कि वो इसको ब्रेकआउट करके बाहर निकलेगा, इधर से सेल ऑफ आया है ना तो मिलना चाहिए था, नहीं है, ब्रेकआउट बाहर आ चुका है। अबे बार एनालिसिस रॉन्ग हो गया तो स्टॉप लॉस हो गया, कितना गया इसमें, 2000 2500 गया। फाइन, नो प्रॉब्लम, ये तो आज का ट्रेड। दो क्या है भाई, मेरा जो कैपिटल है 1 लाख है। ओके, कल एक ट्रेड किया था 20 लाख में, उसमें 2500 था, 6000 का प्रॉफिट आया था, उसको मिला के तो 1 लाख है, उसमें मैं 20,000 को इधर डिप्लॉय किया था। ओके, सोचा था कि भाई मेरा हिसाब से चलेगा, नहीं तो मैं 5000 में हटाने वाला था, हाउएवर मॉर्निंग में इसको हटा दिया, मैं प्रॉफिट में ही हटा दिया था, बाद में और एक ट्रेड लिया, एक एक क्वांटिटी को एक लॉट को छोड़ दिया था, वो लॉस में आ गया। अब मैं इसको खरीदा था, ये भी प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन मतलब गलत है, ऐसा नहीं है, तो जो भी चला नो प्रॉब्लम, ये स्टॉप लॉसेस होगा, सब कुछ होगा। ओके, ये जो लॉस है इनफैक्ट मेरा प्रॉफिट है, कल का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है भाई। देखो, 2000 रुपीज गॉन, 2500 गॉन इन किसमें, ऑप्शन में गया, 2000 गया, 2000 गया इसमें, एक्चुअली मेरा लॉस है 2000 इंटरडे में, इसको टिक करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आज स्टॉप लॉस हो गया तो ट्रेडिंग करना बंद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कल करेंगे देखेंगे। अच्छा अच्छा अभी क्या है, अभी प्रॉपरली एनालाइज करके बैठना है, और कुछ नहीं है। एशिया मोटर्स में पता नहीं क्या हुआ, मेरा एनालिसिस सारे गलत हो गया, नहीं है, इसको ऊपर भी जा रहा था, क्यों इधर से स्टॉप लॉस हो गया मुझे पता नहीं आ रहा है। हाउएवर जो हुआ हुआ, नो प्रॉब्लम, हाँ इसमें कोई फन साइड नहीं करता हूँ भाई। 19,000 कितना है, 19,953, इसमें 1000 रुपीज जाएगा, कल रहेगा 99,000, इधर से काम करेंगे। और क्या है, अच्छा हो गया,